क्या आप भी अपना बिजली का बिल देखकर ऐसे ही चौंक जाते हैं? अब नहीं, घर लगवाएं सोलर प्लांट और पाएं बिजली बिल से छुटकारा। संपर्क करें सनशाइन सोलर 9729355007 एंड 7082370007 नंबर पर। सोलर लगाइए, बिजली बिल बचाइए। इस समय कैमरे के सामने हमारे साथ जो लोग मौजूद है, ये कलायत के हैं और जिनका आरोप ये है कि इनकी लड़की की शादी 3.5 साल पहले गांव फरल में होती है और इनका आरोप ये है कि अब उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि खुदकुशी भी बोल रहे हैं, लेकिन इनका आरोप ये है कि उसकी जो है हत्या की गई है। अभी हम पूरी जानकारी के लिए हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? मोल सिंह राणा, कलायत जी। क्या पूरा मामला है जी? ये कलायत से हमारी राजपूत बिरादरी की लड़की गांव फरल जिला कैथल में ब्याही हुई थी जी। हमने शादी में काफ़ी दहेज जेवरात, बिजली का सामान, दांत बर्तन जो भी, और अल्टो गाड़ी के नगद पैसे दिए थे। शादी के बाद ही लड़के वालों ने, जो हमारा दोनों का बिचौलिया था, उससे कहा कि आपने इतने कम पैसे क्यों दिलवाए हैं, आपने कम से कम 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए तो कम से कम दिलवाने थे, और इस तरह की बातें परिवार के साथ बीच बीच में चलती रही। लड़की की शादी को 3.5 साल हुए थे, उसके पास 1.5 साल का एक लड़का भी है। जब भी लड़की हमारे घर पे आती थी और परिवार में बैठे कहती थी, लालची लोग हैं, इनको कपड़ा ऐसे लाना, टूम वगैरह लाना, हम सब इस लड़की को, लड़की का पिताजी जियालाल, इस लड़की को हर बार अपनी हैसियत से ज़्यादा दान दहेज देकर भेजता था, लेकिन फिर भी लोभियों ने इस लड़की को 26/7 को हमारे पास इनका फ़ोन आने की बजाय गली में, मोहल्ले में पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपकी लड़की ने सुना है सुसाइड कर लिया है। हम फौरन कलायत से पूरी मोहल्ले के साथ 2-3 गाड़ियों में वहाँ गए। वहाँ जाकर हमने मौका देखा, मौके पर हमने तहकीकात करी, लड़की की जेवरात वगैरह पहले ही उतार रखे थे, ना वहाँ कोई स्टूल था ना कोई कुर्सी थी, और लड़की के कई निशान बाजुओं पर लील पड़े हुए थे, और गले में और एडियों में और छाती पे घरूट लगी हुई थी। इन्होंने हमारी इस कन्या को, लड़की को दबा के, गला घोट के, पकड़ के, घसीट के इन दरिंदों ने मारा है। एक तरफ हमारी हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वादा करते हैं जनता से कि अपनी बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान चलाए हुए हैं। हमारे साथ किसी किस्म का सही प्रशासन के द्वारा सुनाई नहीं हो रही है। हमने तुरंत सारे हालात देखकर हमने पुंडरी थाना को दरख्वास्त दी, पुंडरी थाना गया, साथ में पोस्टमार्टम हुआ, और अब हम DSP SP को मिल के आए हैं। SP ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी की है, सिर्फ ये कहा कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। आज लड़के गुजरे हुए 9-10 दिन के करीब हो गए हैं, लेकिन कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें प्रशासन की मिलीभगत इस मामले में लग रही है, जबकि देश के लोगों ने इस लड़की को बार बार टॉर्चर किया है और इसको आखिर में घोट के मार दिया है। मौके पर गांव के सामने, चाहे तो गांव के लोग बेशक ना कहे, नेम धर्म करा लियो, उसके ससुर ने भी मौके पर ये बात कही थी कि मेरे भतीजे और मेरे भाई के घर ने मेरे घर को उजाड़ दिया है। इन्होंने गले को चुन्नी से घोट कर लड़की को, गले को, इस लड़की को मार दिया है। ऐसा मौके पर मोहल्ले के अंदर ससुर ने बोला था। चाहे आज वो गांव फल की पंचायत इस बात को माने ना माने, मौके पर मौखिक तौर पर बातें हुई थी जी। पुलिस क्या कह रही है कि भाई खुदकुशी की है? पुलिस कोई अभी तक ये नहीं करी, कोई मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, जबकि डॉक्टर
पीएम तो कह रहे थे कि भी पुलिस ने वो खुदकुशी बताई है और आप कह रहे हैं कि भाई उसने खुदकुशी नहीं की, तो पुलिस ने आपको बोला था कि भाई एसपी साहब कह रहे हैं हमारे पास विस्तार रिपोर्ट नहीं है, हमें लगता है खुदकुशी का मामला है। एसपी साहब ने हमारे को मौके तौर पर आज बोला है, हम मिले थे 3-4 आदमी मिलने दिए, वैसे तो हम पंचायत आई हुई थी 20-25 व्यक्तियों की, लेकिन हमारे 3 व्यक्तियों को मिलने दिया। एसपी साहब ने कहा खुदकुशी का मामला लगता है। आपकी क्या लगती थी? वो मेरी नाते में भतीजी लगती है। अभी हम जो मृतक हैं उनके पिताजी से हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? जियालाल जी, आपके पास कब फ़ोन आता है और कैसे आपको जानकारी मिलती है? फ़ोन तो जब 7 करी जब भी आया अगले दिन। तारीख की बात है ये 26-25 की रात को जी, और 26 के दिन में 10:30 फ़ोन आया जी घर में, खेत में। अच्छा, कैसे लग रहा है कि भाई उसकी हत्या की गई है? हत्या जी ऐसे करिए जी, जो आपने कारण देखे नहीं जा गया है उसकी हत्या जी, ना उन्हें फोन उन्हें करे, पड़ोसियों ने करे, उरे भी निशान है। अच्छा, भी पड़ोसियों ने किया था फोन? हाँ, पड़ोसियों ने किया था जी फोन। अच्छा, गांव में बहुत लड़कियाँ उठेगी, उन लड़कियों ने और ने करे, किसी ने करे जी, उन्होंने नहीं करे जी। अच्छा, उनकी तो तैयारी थी, वह गद्दे भूक दिया अपने, क्या होगा। अच्छा, पिताजी फिर शरीफ है, कुछ नहीं, शरीफ आदमी का क्या करेगा हमारा। तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी पुलिस या मौखिक तौर पे जिस तरीके से अंकल जी ने, आपने नाम क्या अंकल जी? मोहन सिंह राणा। मोहन सिंह जी ने अभी बताया कि जिस तरीके से मौखिक रूप से इनको बताया कि भाई खुदकुशी का मामला ही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? खुद जो ने वो कोर्ट के मारी है चुनने के लिए जी। हाँ, हम ओके भी गए हैं तो हम केस पलटवाना चाहते थे जी, गए थे जी, सी ए में दे दो जी, मारा तो किस मार पैसा मान ऐसा कह दिए, पीछे खा रहे हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई है? कार्रवाई दूर तक करेंगे, दूर तक करेंगे जी, ये चाहूँ तो कुछ ना हो जी, 5-6 लग घुमाएंगे जी, हमारा रह रहा क्या जी। तो आगे यदि सुनवाई नहीं होती तो आप आगे तक भी जाओगे? आगे सर कहीं दिल्ली लग जाएंगे जी, चक्कर तक जाऊँगा जी, हमारी कोई ना पूछे बात की बात है जी। नाम क्या है जी? मलखान सिंह है जी। मलखान सिंह जी, आपने क्या लगा इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में जी उन्हें घोट के इसको मतलब पहले प्लान बनाई थी, प्लानिंग थी उनकी, और घोट के मार दिया। किसने मारा था, किसके नाम आ रहा है इसमें? सबसे मतलब मेन तो लड़के है, और उसके लड़के के मतलब चाचा ताऊ के भाई है। लड़का मतलब कि उसका घर वाला? हाँ, एक रोकी है जी, रोकी उसके चाचा ताऊ में। अच्छा, वो भी आया हुआ था उठे, रोकी की साजिश है सारी, रोकी ने उसको मरवाया है और फड़ो मार गया फिर मार के। रोकी ने उसको मारा है, और गिल्ला और फौजी है, और गिल्ला एक आदि लगाई मतलब उनके शामिल हुई है। अच्छा, 5-4 आदमियों ने मतलब उसको मारा है। आपकी जो बेटी है भतीजी है उनका नाम क्या है? पोती। आपकी पोती है, नाम क्या है जी? राहुल कहते हैं, राहुल जी, रिद्धि उर्फ राहुल। अच्छा, रिद्धि उनका नाम है, राहुल के साथ उसकी शादी हुई। रिद्धि उर्फ राहुल शादी हुई थी, अंकुश फल, अंकुश नाम है उसका, मिलिट्री में फौजी है वो, कांस्टेबल है, उसके साथ 3.5 साल पहले शादी हुई थी, और लड़की के 1.5 साल का लड़का भी है। ठीक है, FIR में आपने किस किस के नाम लिखवाए हैं? FIR में हमने जी सबसे पहले इन्हीं के, जो जिनके साथ हमारी लड़की की शादी करी थी, लड़की का घरवाला, लड़की का ससुर, देवर, और रोकी जो फौजी है मेन सलाहकार, इनका हर बार रहता था, गाड़ी भी उसके साथ खरीदता था, उसके साथ कई व्यापार करता था, उसी के साथ उसी के कहे से मानता था, और इसकी जो रोकी की मदर और रोकी घरवाली, वो भी इस लड़की को बीच बीच में पड़ोस होने के नाते तंग करती थी, कहती थी ये तो हमारी बहुओं से ज़्यादा इनको कुछ ले आती है, और इसने ज़्यादा लेना चाहिए, और कम दहेज के कारण ये ठीक नहीं है, हमारा लड़का फौज में लगा था, नौकरी करता है बड़े अच्छे उस पर है, इतना पैसा इन्होंने वालों ने कम लगाया है। जो रीति का घर वाला था वो फौजी था? फौजी था, फौजी था, दोनों फौजी आए हुए थे, और एक महीने की छुट्टी आया हुआ था, और एक महीने से लड़की के साथ उसके बर्ताव। रिंकू है वो, और रोकी है वो भी फौज में, वो भी फौजी है, वो चाचे का लड़का, उसने पका के मरवाई है, उसने जो है नहीं रोकी,
उसने उसको मतलब साजिश के तहत उसको मरवाया है। ठीक है देंगे जी। जी आपका नाम क्या है? राजीव राणा। राजीव जी आपको क्या लगता है पूरे मामले में? इस पूरे मामले में अभी तक जहाँ तक हमें लगता है प्रशासन की पूरी छानकर हम लोगों के साथ बनी हुई है। 26 जुलाई के मामले में मतलब 26 जुलाई को अगर डेथ होती है, आज तक एक भी गिरफ्तारी अगर नहीं है किसी भी लड़की औरत की या आदमी की, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, तो इससे बड़ी मतलब मिली भगत हम प्रशासन की नहीं बोल सकते किसी और मामले में, क्योंकि प्रशासन कुछ भी गए हमें जांच करनी है, ये करना है, वो करना है, जांच में ले तो किसी को वो जांच में शामिल करेंगे तभी तो जांच होगी ना। अभी तक अगर वो दरिंदे खुले घूम रहे हैं तो इसका मतलब प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है और कुछ ना कुछ गोलमाल करने के चक्कर में वो लोग लग रहे हैं। जी फिलहाल आप देख सकते हो कि कलायत वासी जो आरोप लगा रहे हैं कि जो उनकी हत्या की गई गला घोट कर, और प्रशासन पर भी यहाँ पर सवाल या निशान यहाँ पर उठा रहे हैं, और अब ये तो तफ्तीश में ही पता चलेगा कि क्या पूरा मामला है, कौन दोषी है, कौन बेकसूर है। लेकिन हम चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, यदि दूसरा पक्ष भी अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये जांच की मांग कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे। अब देखना यही है कि तफ्तीश में क्या कुछ सामने निकल करके आता है।